एवरीवन, माय नेम इज़ करण साहू एंड आई एम प्रेजेंट माय टॉपिक फाइल सिस्टम। व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम एक ऐसे मेथड है जिसमें कि डाटा को ऑर्गेनाइज और रीटेबलिंग कराई होती है फाइल्स की स्टोरेज मीडियम में। फाइल सिस्टम ही यूजली जो कंटेंट रहता है उनको, जो फाइल्स का जो कंटेंट रहता है उनको सेपरेट करता है ग्रुप्स में, जिसे हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं। जो डायरेक्टरीज का जो कंटेंट रहता है फाइल्स के साथ एडिशनल डायरेक्टरीज भी हो सकता है। विंडोज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइल सिस्टम है NTFS। फाइल सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट जो मोस्टली कॉमन यूज़ होने वाले फाइल सिस्टम है वो FAT16 एंड 32, XFAT, NTFS। FAT16 फाइल एलोकेशन टेबल 16, जिसे जो FAT16 में जो 16 है वो इंडिकेट करता है 16 बीट्स ऑफ फाइल सिस्टम को। जो फाइल सिस्टम FAT16 है, FAT16 फाइल सिस्टम है, उसका डेवलप्ड करा था फ्लॉपी डिस्क के यूज़ के लिए, पर ये इसी के साथ हार्ड डिस्क में भी वर्क करता है जिसमें हार्ड ड्राइव अवेलेबल हो। FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल 32 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में 1977 में। इसमें एक चार्ट ऑफ टेबल रहता है जो कि जो फाइल्स रहती है उसको एड्रेसेस करता है हार्ड ड्राइव में। XFAT एक्सटेंड फाइल लोकेशन टेबल। XFAT फाइल सिस्टम डेवलप्ड करा था फ्लैश डिवाइस के लिए। इसको डेवलप करा था माइक्रोसॉफ्ट ने और ओरिजिनली रिलीज्ड करा था 2006 में। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS इसको डेवलप्ड करा था माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी स्टार्टिंग होती है इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है विंडोज NTFS 3.1 के साथ, और ये डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है विंडोज NT फैमिली में। ये इसी के साथ सपोर्ट करता है फाइल एलोकेशन टेबल। विंडोज़ के अलावा ये सपोर्ट लिनक्स और BSD में भी करता है। जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसको कन्वर्ट कमांड के द्वारा हम NTFS में रीराइट कर सकते हैं ऑल फाइल्स को। जो टाइप्स ऑफ फाइल्स रहती है वो डिफरेंट टाइप्स होती है, डिस्क फाइल, फ्लैश फाइल सिस्टम, डाटाबेस फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले आते हैं मैं डिस्क फाइल सिस्टम पे। डिस्क फाइल सिस्टम को डिज़ाइन किया था स्टोरेज ऑफ डाटा को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने के लिए। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट रहता है कंप्यूटर से। फ्लैश फाइल सिस्टम इसको डिज़ाइन किया था फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के लिए, जैसे मोबाइल। जैसे जैसे मोबाइल की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, जैसे जैसे मोबाइल इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है डाटा फाइल सिस्टम। जो डाटा बेस फाइल सिस्टम है वो फाइल्स की पहचान आइडेंटिफाई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि टाइप्स ऑफ फाइल, टॉपिक, सिमिलर मेटा डाटा
के इससे करता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। यह फाइल सिस्टम है जिसमें जो रिमोट फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल के क्लाइंट के रूप में कार्य करता है और सर्वर पर फाइल को पहुंचाने में मदद करता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम कुछ एग्जांपल है जैसे NFS, SMB, AFS प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। शेयर्ड फाइल सिस्टम, ये वह फाइल सिस्टम होता है जिसमें एक मशीनों की भारी डिस्क सब सिस्टम तक फाइल्स को पहुंचाती है, जैसे रेड हैट से GFS टू IBM से GPES, SGI से CXFS तक। स्पेशल फाइल सिस्टम, स्पेशल फाइल सिस्टम है वो नॉन फाइल्स को फाइल के रूप में प्रेजेंट करता है, जिससे उस पर कार्य कर सकते हैं अपन, जिसे वर्क कर सकते हैं। इसका यूज़ कॉमनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, पर कुछ नॉन यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ में भी इस फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। डिवाइस फाइल सिस्टम, ये रिप्रेजेंट करता है IO डिवाइसेस और सूडो डिवाइसेस की फाइलों को, जिसे हम डिवाइस फाइल कहते हैं। So this is all about my topic. Thank you.